हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, सॉरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। और हम लोग डेली इंतज़ार कर रहे हैं कि ब्राइटको ग्रुप में अपर सर्किट लगे। डेली हम लोग इसी आशा से खोलते हैं कि आज स्टॉक घूम जाए, बट फिर से लोअर सर्किट देखने को मिलता है। बट अपर सर्किट लग सकता है, उसके कुछ कारण हैं, उसमें से कोई भी एक कारण, एक रीज़न भी हो गया तो अपर सर्किट लग सकता है। आइए जानते हैं क्या रह सकते हैं वो कारण। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपके पोर्टफोलियो को हमारी टीम हैंडल करे तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज भी लोअर सर्किट लगा, 14.60 रुपीज़ पर क्लोजिंग दिया था। NSE BSE मिलाकर अराउंड 87 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम तो अच्छा खासा हो रहा है और मार्केट जब शुरू था जब अराउंड 7 करोड़ शेयर सेलिंग के लिए लगे हुए थे दिन भर में। और एमओ ऑर्डर की बात करें तो एमओ ऑर्डर अराउंड 8 लाख शेयर्स की लगी हुई है, 8 लाख शेयर्स की, जो कि धीरे धीरे अभी एमओ ऑर्डर भी कम होते जा रही है, ये भी पॉजिटिव बात है। एक्चुअली आज वॉल्यूम इतना हुआ और उसमें बल्क डील भी देखने को मिली, करीब करीब 11 बल्क डील्स देखने को मिली हमें, लार्ज डील्स, जो कि सब मिलाकर अराउंड 25 से 27 लाख शेयर्स बल्क डील में बाय सेल हुए हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन यह है कि सच में कोई बाय कर रहा है कि ये कुछ ऑपरेटर लोगों की चाल है एक वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग यही मैसेज करते हैं मुझे कि मेरा शेयर तो बिकता नहीं है, फिर ये इतना माल उठा, मतलब बिका चला जाता है। तो अभी कभी कभी क्या होता है, ऐसा हो सकता है, पता नहीं कि ऑपरेटर लोग क्या करते हैं कि उनके पास है ना सॉफ्टवेयर इतना फास्ट होता है कि माइक्रो सेकंड में वो बाय सेल कर लेते हैं, एक जगह से बाय करते हैं, एक जगह सेल करते हैं, ऐसा बल्क डील क्रिएट करके हो सकता है वो वॉल्यूम क्रिएट करने की कोशिश करते होंगे। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये पता नहीं, बट ये भी तरीका होता है वॉल्यूम क्रिएट करने का, माइक्रो सेकंड्स में ही तुरंत सामने सामने ही बाय सेल कर लेते हैं, जिसके कारण वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। मतलब खुद ही एक पार्टी बाय कर लेती है, एक पार्टी सेल कर लेती है। हमारे यहाँ एक पावर का फेज चला गया है तो एसी भी बंद है अभी, तो ये सब होता है। बट ठीक है, आशा करते हैं कि ये जो वॉल्यूम हो रहा है रियल में कोई उठा रहा है जो है शेयर्स बाय कर रहा है, यही आशा करते हैं। अब सवाल ये आता है कि अपर सर्किट कब लग सकता है, क्यों लग सकता है। नंबर वन रीज़न ये हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर घट जाए। सेलिंग प्रेशर जब तक कम नहीं होगा, कोई बल्क में उठाएगा, आने को हिम्मत नहीं करेगा, तो हो सकता है सेलिंग प्रेशर कम जैसे ही होगा, जैसे 14 रुपीज़ का लेवल है फिर 12 रुपीज़ का लेवल है, बट लक तो ऐसे रहा है कि 12 रुपीज़ के लेवल से शेयर शायद घूम जाए, वहाँ तक थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये हो गया एक सिंपल बाय सेल के प्रेशर का रीज़न। दूसरा रीज़न इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि अगर ब्राइटकॉम ग्रुप अपने सब्सिडरीज का एक एक नोटिफिकेशन जारी करे, क्या हो रहा है मार्केट में, सबको लग रहा है कि शेयर के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, सेल्स और रेवेन्यू ये ज़्यादा तो आप जानते हैं कि ओवरसीज सब्सिडरी से ही आता है ब्राइटकॉम ग्रुप को, तो काफ़ी लोगों के मन में अब ये सवाल हो चुका है कि ये भी सही है कि ये भी फेक है। हालांकि कुछ लोगों ने रिसर्च कर इसराइल की जो उनकी सब्सिडरीज है उनके वहाँ इसराइल के ROC रजिस्टर ऑफ कंपनीज से कुछ डॉक्यूमेंट निकाले जिसमें दिख रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप पैरेंट कंपनी है, बट ब्राइटकॉम.com पर इंडिया के जो पैरेंट कंपनी होने का या सुरेश कुमार जी रेड्डी का ऐसा कोई जिक्र कहीं होता नहीं है, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग माहौल बना हुआ है। सब लोग यही होप कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, ये जो गड़बड़ घोटाले हुए हैं प्रोमोटर्स ने, जो प्रॉब्लम की है प्रोफेशनल शेयर्स के या बाकी चीज़ों के, बट कम से कम कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑथेंटिक हो। अगर वो ऑथेंटिक होगा तो डेफिनेटली फ्यूचर में शेयर का जो है रिटर्न मल्टीबैगर मिल सकता है, कोई बड़ी कंपनी इसमें हाथ डाल सकती है, कोई बड़ा इन्वेस्टर हाथ डाल सकता है। यही रिटेल इन्वेस्टर बस अभी फंडामेंटल्स देखकर जो है एक होप लगाकर बैठे हुए हैं। तो एक्चुअली आप लोग भी कंपनी को IR@brightcomgroup.com पर मेल करके बोल सकते हो कंपनी को, या फ़ोन करके भी बोल सकते हो, या कोई ऑफिस में जाके भी बात कर सकता है फिर से कि उनकी जो सब्सिडरीज है उसके डॉक्यूमेंट्स कंपनी अगर पब्लिश करे NSE BSE को नोटिफिकेशन भेजकर, जिसमें एक्विजिशन के पूरे डॉक्यूमेंट्स की जो भी सब्सिडरीज है उनकी ही सब्सिडरीज है, उसका पूरा जो स्टेक होल्डिंग कैसा है, क्या है, कब कब लिया गया था, ये सब अगर ये पब्लिश करती है और एक एफिडेविट अगर कोर्ट में ब्राइटकॉम ग्रुप हैदराबाद हेडक्वार्टर की ओर से जो है फाइल किया जाता है
कि ये जो हमारी सब्सिडरीज है ये ऑथेंटिक है, ये हमारी ही है, और ये जो प्रॉफिट और जो रेवेन्यू है ये भी ऑथेंटिक है। अगर ऐसा एफिडेविट या कुछ ऐसा एक कुछ डॉक्यूमेंट कंपनी प्रेजेंट करती है एनएससी बीएससी को, तो डेफिनेटली लोगों में पॉजिटिविटी फिर से आ सकती है। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म में जो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं कंपनी में, ये तो समझो ठीक है, ये बाइंग सेलिंग के प्रॉब्लम ये तो होते रहेंगे, बट मेन जो हमें एक तसल्ली मिलेगी रिटेल इन्वेस्टर्स लोगों को कि कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑथेंटिक है, और ये सब सब्सिडरीज ब्राइटकॉम ग्रुप जो हैदराबाद की कंपनी है उसी से बिलोंग करती है, और ये प्रॉफिट और जो रेवेन्यू है ये सच है, इतना भी साबित अगर कंपनी की ओर से कोई भी डॉक्यूमेंट के तरीके से हो गया, या किसी ने ऑफिस में जाकर उनको कहा ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑफिस में जाकर कि आप ये जितने भी सब्सिडरीज है उसके डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करो एनएससी बीएससी पर कि ये 100% सब्सिडरीज है कंपनी की और ये प्रॉफिट और रेवेन्यू ऑथेंटिक है, अगर ये भी एक नोटिफिकेशन कंपनी की ओर से आ जाता है तो शेयर घूम सकता है। बाकी तो अपर सर्किट लगने के रीज़न हमें पता ही है कि सीईओ सीईओ जल्द से अपॉइंट हो जाए, कोई ऑडिटर के न्यूज़ आ जाए, या प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉटमेंट कैंसिलेशन का न्यूज़ आ जाए, या उनसे मनी मांगने का न्यूज़ आ जाए, या कोई बड़ा इन्वेस्टर जो है इसमें ब्लॉक डील से बाय कर ले, या बड़ा फंड हाउस शेयर्स ब्लॉक डील से बाय करने के लिए तैयार हो, ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है तो भी शेयर घूम सकता है। बट मेन जो है अभी हमें देखना यह है कि कौन सी न्यूज़ पहले आती है जिसके कारण शेयर घूम सकता है, या फिर सेलिंग प्रेशर ही कम हो जाए वहाँ से जो है शेयर घूम सकता है। बट सेलिंग प्रेशर कम होकर घूमना यह टेम्प्ररी बात रहेगी, और अगर इसमें से कोई बड़ी न्यूज़ आती है जैसे मैंने बताया कि सब्सिडरीज के बारे में कंपनी एफिडेविट देती है कि हमारे सब प्रॉफिट और रेवेन्यू ऑथेंटिक है, या कोई बड़ा नाम ऑडिटर बोल के आता है कंपनी में, या सीईओ सीएफओ के पोस्ट पे कोई बड़ा पॉपुलर नाम आता है जिसका एक्सपीरियंस जो है कोई बड़ी कंपनी का हो, या प्रेफरेंशियल शेयर्स का अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया है, या उनका पैसे मंगाने के लिए कंपनी ने कोई एक्शन लिया हो, ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो ये जो रैली रहेगी अपर सर्किट की ये कॉन्स्टेंट रह सकती है, नहीं तो शेयर घुमा भी तो बहुत बार ऑपरेटर लोग ट्रैप भी कर सकते हैं, 2-4 सर्किट लगाकर पूरा माल बेचकर निकल भी सकते हैं। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, और इसमें ऑथेंटिक जब तक कोई ऐसी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती नहीं है जब तक थोड़ा सा डेंजरस खेल हो सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो अभी आपकी मर्जी है कि आपको एवरेज करना है या फ्रेश बाइंग करनी है, बट थोड़ा सा ये सब करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके पूछते रहते हैं मैं एवरेज कर लूँ क्या, फ्रेश बाइंग कर लूँ क्या, कब करना चाहिए, तो न्यूज़ पे चलेगा शेयर, अभी न्यूज़ कैसे आती है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो कुछ भी कहना भी जो है क्लियर कट कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अभी हो सकता है कुछ न्यूज़ आ जाए पॉजिटिव, फिर आ जाए नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, वो हिसाब से आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन लेना होगा। बट आशा करते हैं कि कोई ऐसी पॉजिटिव धमाकेदार न्यूज़ आ जाए और शेयर नॉनस्टॉप अपर सर्किट में जाए। ऑथेंटिक न्यूज़ से अगर अपर सर्किट लगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग अपर सर्किट लगेगा, अगर सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर बाइंग सेलिंग के ऊपर अपर सर्किट लगा तो वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी की ओर से आ जाए या कोई दूसरे कोई सोर्स से आ जाए तो उसके कारण शेयर में अपर सर्किट लगना नॉन स्टॉप शुरू हो सकता है, यही आशा कर सकते हैं। देखते हैं कल क्या होता है, बट जैसे जैसे अभी प्रेशर कम होते जाएगा और बीच में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो हो सकता है नॉन स्टॉप अपर सर्किट में भी ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।